हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे व्रत में बनने वाली बहुत ही टेस्टी साबूदाने की खिचड़ी। इसके लिए मैंने यहाँ पर लगभग 2.5 गिलास के आसपास साबूदाना लिया है। आप जरूरत के हिसाब से इसकी क्वांटिटी कम ज्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर लगभग 1 से 2 गिलास पानी डालकर आप इसे अच्छी तरह से वॉश कर लें। इसे अच्छी तरह से इस तरह से वॉश करने से इसका जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो रिमूव हो जाता है और हमारे जो साबूदाने हैं वो चिपचिपे नहीं बनते। अब इसका इसे अच्छी तरह से धोने के बाद अब इसमें हम करीब 2 से 2.5 गिलास मतलब इसे ऊपर तक कवर कर ले और उससे एक्स्ट्रा थोड़ा पानी हो इस तरह से इसे भिगोकर रख देंगे। और इसे लगभग हमें 4 से 5 घंटे के लिए भिगोकर रखना है ताकि साबूदाना अच्छी तरह से फूल जाए। ये देखिए 4 से 5 घंटे हो चुके हैं और हमारे साबूदाने अच्छी तरह से फूल चुके हैं। अब इसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसे हम निकाल लेंगे। तो उसके लिए मैंने इस तरह की छलनी ली है। आप किसी भी तरह की छलनी लेकर उसमें इस तरह से इसे ड्रेन कर लीजिएगा और उसे हाथों से इस तरह से फेरेंगे तो इसका एक्सेस वाटर निकल जाएगा। अब लगभग 1 चम्मच सेंधा नमक इसमें इस तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स करने से क्या है, साबूदाने चिपकेंगे नहीं। अब एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में लगभग 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल लें। आप जो भी तेल खाते हो वो आप डाल सकते हैं। इसमें मूंगफली डालेंगे और इन्हें अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। इन्हें काला नहीं करना है, इन्हें लगभग ब्राउन जैसे हो जाएं और इनके छिलके हल्के हल्के से उतरने लगे तो आप समझिएगा कि ये हो चुके हैं। और अब इसमें हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे। अगर आप जीरा नहीं खाते व्रत में तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब कुछ अदरक इस तरह से क्रश करके डाल लें। अब 1 हरी मिर्च बड़ी वाली और ये कटे हुए आलू इस तरह से इन्हें डालकर और आप इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब ये मैंने अदरक के कुछ टुकड़े करके रखे हैं, छिलके उतार कर उन्हें भी मैं इसमें डाल लूंगी और इन्हें डालकर आप अच्छी तरह से इन्हें मिक्स कर लें। और हमें इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालना है। यहाँ पर मैं 2 चम्मच नमक डाल रही हूँ क्योंकि मैं लगभग 4 to 5 persons का बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसे कुछ देर तक ढककर पकाएंगे। नमक डालने से क्या है कि आलू जरा जल्दी से पक जाते हैं, इसलिए आपको पहले से ही नमक डाल देना है इसमें। ये देखिए, ये पककर तैयार है लगभग। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे। जब ये आलू कुछ हद तक पक जाएं तब हम इसमें टमाटर डाल लेंगे और टमाटर डालकर इसे फिर से मिला लेंगे। और इसमें अब हम ऐड करेंगे कुछ मसाले, जैसे धनिया डाला है मैंने, सूखा धनिया, और 1 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे और 1 चम्मच काली मिर्च डाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, आलू अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब इसमें आलू अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब इसमें हम साबूदाना जो भीगा हुआ है हमारा, जो ड्रेन हो चुका है, उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और डाल लेंगे। ये देखिए, हम अच्छी तरह से इसे डालकर मिला लेंगे और अब इसके ऊपर थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर लेंगे। पानी आप चाहें तो यहाँ स्किप कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पानी इसलिए डाला है ताकि ये बिल्कुल ड्राई ना हो। अब 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच अमचूर पाउडर, इसे थोड़ा सा खट्टा मीठा बनाने के लिए। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, इसलिए मैं आपको फटाफट ये पूरी रेसिपी बता रही हूँ। और ये बहुत ही टेस्टी बनती है और इसमें कुछ भी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं होती। अब इसमें धनिया डाल लें, धनिया ज़्यादा डालें, जिससे ये खिचड़ी बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होती है। तो ये देखिए, ये तैयार है। अब इसे लगभग 2 से 3 मिनट हम ढककर पका लेंगे और ये बिल्कुल सर्व करने के लिए रेडी हो चुके हैं। ये देखिए, अब आप इसे चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, 1 या 2 साबूदाने को इस तरह से उंगलियों के बीच में रखकर चेक कर लें। ये देखिए, ये अच्छी तरह से पक चुके हैं, तो समझ जाइएगा कि ये रेडी। आपको कैसी लगी आज की रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड शेयर जरूर करें और इस रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर। और धन्यवाद देखने